अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। आई एम ऑल्सो फाइन एंड टुडे आई एम हेयर विद समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू विच इज द वर्ड बुक। टेक आउट योर प्रेयर 3 वर्ड बुक पेज नंबर 37। ओपन योर पेज एंड रीड द आइकन्स विथ मी। द फर्स्ट वन इज रीड and write. So we have to read and then write on this page. उसके बाद we have to write down the date in the days section. जिस दिन हम ये काम कर रहे होंगे उसकी डेट मैंशन कर देंगे। उसके बाद आपको एक बैलून नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप सब जानते हैं कि ये बैलून है। बैलून तो सबको पता है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। वी हैव सम वर्ड्स इन इट, सो लेट्स रीड टुगेदर। Big, wig, dig, fig, and rig. Okay, now we have read the words, and the second task we have to do in this page is write the beginning sound. हम यहाँ पर beginning sound लिखने वाले हैं. Okay, let's read with me. B, D, W and R. ठीक है, these are the beginning sounds. यहाँ पर beginning sounds हो गए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ pictures दी हुई हैं जो हम read करने जा रहे हैं। The first one is dig. Okay, what is the beginning sound of dig? Can you tell me? The beginning sound of dig is D. So the word is complete over here. हम यहाँ पर ड लिख देंगे ब्लैंक के अंदर। इट्स ड एक टिक। गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज विग। सो व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ विग? यस, द बिगिनिंग साउंड ऑफ विग इज व। व एक विग। सो वी हैव टू राइट द व इन द ब्लैंक। गुड, Now the rest one will be done by yourself. बाकी आप खुद से कर लेंगे। It's so easy. ठीक है, Now move on to the next page which is page number 38. Okay, now let's read icons with me. Read and write. So we have to read and then write in this page. But don't forget to write the date in the date section. Now we have a wall over here. हमने पहले भी ऐसी wall देखी हुई है और इनमें कुछ bricks दिए हुए हैं जैसे पहले दिए हुए थे। आइए इनको read करते हैं। Big, lap, fig. और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक word आपको पहले से लिख के दिया हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें यहाँ पर इन वर्ड्स वर्ड लाइन में से दो राइमिंग वर्ड चूज करने हैं। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू विच इज बिग। बिग के साथ क्या होना चाहिए? बिग लैब फिग, बिग फिग, बिग फिग। यस, सो द सेकंड वर्ड विल बी फिग ओवर हेयर। वी विल ट्रेस बिग विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड देन राइट फिग विद इट। हम बिग के साथ फिग लिख देंगे। Let's move to the next line. Wig, gas, dig. अब आप यहाँ पर तो खुद से दो rhyming words निकाल सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? Two rhyming words select कर लेंगे और जो third वाला है, जो rhyming word नहीं है, उसको छोड़ देंगे। Good. Now move to the next task which is story sentences. यहाँ पर हमें कुछ sentences दिए हुए हैं, एक story बनी हुई है। आए उनको रीड करते हैं। अ बैलून वॉज वेरी, व्हाट विल बी द ब्लैंक? लुक एट द पिक्चर। पिक्चर क्या बनी हुई है? हमें पिक्चर की हेल्प से वर्ड ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, नाउ बैलून वॉज वेरी बिग। गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। इट्स स्टक ऑन अ blank. What will be the blank? Yes, it's stuck on a wig. We will write wig in the blank. The next one is
She love eating blank. What will be in the blank? It's fig. Good. We will write fig in the blank. Now, next one. She did not like to blank. What will be in the blank? Yes, it will be dig. So we will have to write the dig in the blank. She did not like to dig. Okay, and the last one is when she saw the blank. अब यहाँ पर पिक्चर तो गिवन नहीं है, बट जब भी हमें पिक्चर की जगह ग्रे कलर में वर्ड दिया होता है हम उसे ब्लैंक में फिल कर देते हैं. बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर रिग लिख देंगे. वेरी गुड. नाउ एज यू नो इट्स अ राइमिंग स्टोरी, सो देन रीड इट लाइक अ स्टोरी. रीड विथ मी. अ बलून वॉज वेरी बिग. इट स्टक ऑन अ विग. इट गॉट स्टक ऑन अ विग. She loved eating fig. She did not like to dig when she saw the rig. So that's it. जब हम यहाँ पर अपना ये काम एंड कर लेंगे तो हम अपनी मामा या टीचर को दिखाएंगे और फिर उनसे अच्छे अच्छे रिमार्क्स लेंगे, ठीक है? और फिर हम अपनी बुक को क्लोज करके बैकपैक में रख देंगे. Till then, take care. Allah Hafiz.